हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले मैंने आपसे एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हम जब नए घर में शिफ्ट हुए थे तो उस समय कैसी स्थिति थी, सारा मेस था, सामान नहीं ठीक से सेट हुआ था, वो हमने शेयर किया था। आज 20 दिन हो गया है हमको, 20 डेज हो गए यहाँ शिफ्ट हुए और करीब 90% सेटिंग हो गई है। अब मैं आपको वही घर जो कि आपने इतनी फैली हुई हालत में कार्टन से भरा हुआ सारे सामान फैले हुए उस स्थिति में देखा था, अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने कैसे सेटल किया। वैसे पूरी तरह सेटल नहीं है, थोड़ा बहुत अभी काम बाकी, कुछ पेंटिंग्स वगैरह लगानी है, लेकिन वैसे 90% सेट हो गया है। अब ये मेरा रूम है, अभी घड़ी नहीं टांग पाए हैं हम क्योंकि ड्रिलिंग मशीन नहीं है। उस दिन थोड़ी सी बस खाली कीले लगाई उसने और कारपेंटर ने, अभी ये हमारी घड़ी अभी नहीं टंगी है। ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, थोड़ा बहुत सेट हुआ है। उसके बाद मेरा ये बेडसाइड टेबल है, इस पर थोड़ा ज़रूरत का सामान है, यूटिलिटी की चीज़ें हैं। ये मेरा बेड है और बेड तो सेट उस टाइम भी लगा दिया था विदाउट बेडशीट, इट वॉज़ विदाउट बेडशीट। दिस इज़ माई मिरर, इस मिरर में आप देख सकते हो ये घर कितना क्यूट है। छोटा ज़रूर है लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत मज़ा आता है यहाँ रहने में। ये कर्टन उस टाइम नहीं लगे थे, कर्टन लगे हैं। और ये टीटी टेबल है मेरे बेटे की, यहाँ पे थोड़ा सामान है मेरे हस्बैंड का। अब मैं आपको अपने बेटे का रूम दिखाती हूँ। ये कर्टन्स, ये शोकेस उस दिन सेट नहीं हुआ था, आज सेट हो गया है। एक पेंटिंग ये वाली ड्राइंग रूम में लग गई है जो मैंने बड़े शौक़ से दिल्ली में ली थी, दिल्ली के सरोजनी नगर से। इट्स अ वेरी नाइस पेंटिंग। घड़ी लग गई है, उसके बाद कर्टन्स लग गए हैं, कुछ कर्टन्स अभी लगने बाकी हैं गेस्ट रूम में। और ये मेरे बेटे का रूम है, मेरा बेटा बहुत शौकीन है पढ़ने का, उसकी ये बुक शेल्फ है, जब उसको टाइम मिलता है तो वो पढ़ने में पढ़ता है और एंजॉय करता है। ये उसकी टीवी है, उसकी कंफर्टेबल चेयर, एवरीथिंग एवरीथिंग इज़ यूज्ड बाय माय सन। स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स टीवी से अटैच्ड हैं जिससे साउंड बड़ा एक्सेलेंट आता है। और ये ग्लोब है उसका, फिर एक फ़ोटो है दोनों की, मेरे सन और मेरी डॉटर इन लॉ की, जो बहुत ही ब्यूटीफुल आई है उस। और ये बेड है उनका, मेरा बेटा हार्ड बेड पे सोता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। ये कर्टन्स भी बाद में ही लगे हैं। और ये मेरी डॉटर इन लॉ की ड्रेसिंग टेबल है और वो इस पे बड़े प्यार से रेडी होती है। और इधर बालकनी है, बालकनी में हम कपड़े सुखाते हैं, कुछ सामान रखा है, कुछ एक्स्ट्रा चेयर्स रखी हैं। और बालकनी क्लोज्ड है, रेलिंग्स हैं, ये बहुत अच्छा है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत सेफ़ फील होता है। ये मेरे बेटे बहू की कबर्ड है, वार्डरोब्स हैं जिसमें उन्होंने अपने कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। अब मैं आपको अपने ड्राइंग रूम में ले चलती हूँ। ये कुछ पेंटिंग्स लगाई हैं जो उस एक बार ड्रिलिंग का लेके आया था भैया, तो उससे लगवाई हैं। और अभी हम ड्राइंग रूम में चलते हैं। ड्राइंग रूम में उस दिन दीवान सेट नहीं था, बेटा बुक्स रख रहा था दीवान के अंदर, अभी दीवान हमारा सेट हो गया है। और शोकेस में भी सामान अच्छी तरह सेट किया है डॉटर इन लॉ ने। सोफ़ा हमने अपना लगा लिया जगह पे। ये मेरा एक टेडी बेयर है जो मेरे सन ने मुझे मेरी बर्थडे पे दिया था। और ये अब हम आते हैं, ये हमारा गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम अभी सेट होना बाकी है। ये डाइनिंग रूम है, डाइनिंग टेबल डाइनिंग चेयर सब ऑलमोस्ट सेट हो गई हैं। और ये हमारा 15 अगस्त वाला फ्लैग लहरा रहा है अभी भी, जय हिंद। ये किचन में भी एक हमने ये लगाया है पेंटिंग। फिल्टर हमारा लग गया है, उस टाइम फिल्टर नहीं लगा था, पानी की बॉटल मंगाई थी बड़ी वाली,
आप इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा। और ये विंडो बहुत हवादार है, इधर से ही फिल्टर के पाइप भी जाते हैं, वायर जाते हैं बाहर, और इधर वॉशिंग मशीन है, ये यूटिलिटी बालकनी है, ये हमारे किचन की कबर्ड्स हैं जो ऑलमोस्ट सेट हो गई हैं, वेइंग स्केल एंड अभी भी थोड़ा सामान कार्टन में है। और हमने माइक्रोवेव नया ले लिया, उस दिन प्रॉमिस किया था कि हम लेने वाले हैं। और अभी ये हमारी मिक्सी भी मॉर्फी रिचर्ज की नई मिक्सी आ गई है, टोस्टर वही पहले वाला है, फ्रिज भी हमारा वही पहले वाला है, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल है, स्पेशियस है और हमें बहुत प्यारा है। उसके बाद और आप यहाँ से पूरा व्यू देख सकते हैं, हमारा ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम देखने में लग रहा है बहुत बड़ा बिकॉज़ अच्छे से अरेंज करी गई ये चीज़ें, मेरी डॉट एंड डॉ ने बहुत मेहनत की, और ये सबसे बेस्ट जगह ये मुझे लगती है, यहाँ हमने अपना मंदिर रखा है, हम रोज़ यहाँ प्रेयर करते हैं सुबह शाम, और बहुत शांति का अनुभव करते हैं। ये मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल है, इधर अभी कुछ लैम्प शेड वगैरह रखे हैं जिनको अभी हमें लगाना है, ये एग्जॉस्ट फैन अभी नहीं लगे हैं बाथरूम में, वो भी लगेंगे, कुछ काम बचा है जैसे 10% करीब, इन्वर्टर लग गया है, बेटे की चेयर एक यहाँ कंफर्टेबल रखी है, कुछ पेंटिंग्स लगा दी हैं, ये हमने जो मेले से हम डॉल लेके आए थे ना वो हमने यहाँ लगा दिए, मेले में बड़े अच्छे स्टॉल्स लगे थे, राजस्थानी डॉल वहाँ से ली थी, वो बहुत क्यूट लग रही हैं। अभी यहाँ पे लाइट भी फिर और अच्छे से लगाना है, कुछ पेंटिंग लगी, ये हमारा एंट्रेंस है। और एक बार और मैं पूरा आपको व्यू करा देती हूँ, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे, 20 डेज़ हम बिज़ी थे हम लोग घर की सेटिंग में, तो कोई भी वीडियो नहीं बना पाए, अब मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगी, और मुझे आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा ड्राइंग रूम में जो शोकेस है उसमें जिसमें टीवी लगा हुआ है वो है, इसी पे हम टीवी देखते हैं, ये कुछ लैम्प्स हैं जो मैं हमारी मैरिज एनिवर्सरी ने ऊपर वाला हमारे बेटे बहू ने दिया था, नीचे वाला फिर उनको मैरिज में मिला था, और ये टीवी है। और अब आप यहाँ से किचन देखिए, घर बहुत अच्छा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत बड़े घर से हम छोटे घर में आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूँगी, इंटरेस्टिंग वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।